बिल्कुल निश्चित तौर पर, और अब ऐसा होने भी वाला है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उन्नाव कांड पर आज सुनवाई होगी, 30,000 कोर्ट में सुनवाई होगी। दर्शक इस बात को जान लें कि अब 30,000 कोर्ट में ही सुनवाई हो रही है, पीड़िता के पिता पर दर्ज मामले में सुनवाई होगी। पीड़िता के पिता की जेल में मौत हो गई थी। सीबीआई 4 अन्य आरोपियों को आज पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 केस ट्रांसफर किए थे, 45 दिन में पूरा करना होगा ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट तो पहले आदेश दे चुकी थी कि 45 दिन के अंदर ये जितना भी मामला है उसे 45 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई खत्म करती होगी। तो सीबीआई 4 अन्य आरोपियों को आज पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 केस ट्रांसफर किए थे और इसी के चलते आज एयरलिफ्ट हो चुकी है, एम्स में इलाज शुरू हो गया है पीड़िता का। बिल्कुल, उन्नाव कांड पर आज सुनवाई होनी है, इस पर नजर होगी हमारी। 30,000 कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पीड़िता के पिता पर दर्ज मामले में, असल में दर्शकों को बता दें कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। संगीन आरोप लगा था पुलिस वालों पर। पीड़िता के पिता की जेल में मौत हुई थी। आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवेश, आज क्या क्या होना है 30,000 कोर्ट में, जरा वो बताइए। जी बिल्कुल, 30,000 कोर्ट में उन्नाव रेप केस के मामले में जो अन्य मामले हैं उसमें सुनवाई होगी। पहला मामला जो है वो जो पीड़िता है उसके उसके पिता के खिलाफ जो आर्म्स एक्ट के तहत कुलदीप सिंह सेगर ने केस दर्ज कराया था उसके पर सुनवाई होगी। उसके अलावा जो और दो अन्य मामले पीड़िता की तरफ से दर्ज कराए गए थे उसको लेकर आज सुनवाई होगी। हालांकि ये बात मैं बता दूं आपको कि 4 जो आरोपी अन्य आरोपी हैं, जो दूसरे आरोपी हैं, उनको भी आज 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। और हो सकता है कि जिस तरह से कुलदीप सिंह सेगर को तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया, इसी तरह से उन 4 आरोपियों को भी तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया गया। और उसके बाद फिर कल की अगर बात करें तो कल 30,000 कोर्ट जो है वो कुलदीप सिंह सेगर के लेकर सुनवाई करेगा। तो वैसे में अभी क्योंकि फिलहाल सभी दस्तावेज हैं वो कोर्ट में पहुंचे नहीं है, कोर्ट ने कल भी ये बात कही थी और आज देखना होगा कि आज पूरी सुनवाई में क्या कुछ रहता है। बिल्कुल, आज देखना होगा कि कोर्ट सुनवाई में क्या कहता है। आवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते खबरों में। आगरा एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का बड़ा कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर होगी जिसके बाद भीषण भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार करीब 25 लोग दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और ये दर्दनाक हादसा आपको देखने को सामने मिल रहा है। करीब 22 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं इसमें और सभी को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। लोधेश्वर मंदिर से दर्शन करके ये श्रद्धालु थे जो लौट रहे थे। बांगरमऊ कोतवाली इलाके की घटना है, उन्नाव के पास की। अनुराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। आपके कोई सवाल है अनुराज? अनुराज, किस तरीके से ये हादसा हो गया, जरा पूरा पूरी जानकारी दीजिए कि किस तरीके से ट्रैक्टर और इसमें बस में भिड़ंत हो गई। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये जो श्रद्धालु हैं ये लोधेश्वर मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे और सुबह करीब 5 बजे की ये घटना है जब एक तेज रफ्तार बस टक्कर मारकर निकल जाती है। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली पर करीब 25 लोग सवार थे जिसमें सभी दब जाते हैं। 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, 22 लोग गंभीर घायल हैं जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया अनुराज इस जानकारी के लिए आपका। यानी रफ्तार की कहर ने 2 लोगों की जान ले ली और इसके साथ ही साथ 22 लोग जख्मी हैं, इसमें से कई जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, और इधर खबर लखनऊ से है जहां पर केजीओ कर्मचारियों की हड़ताल आ जाए, केजीओ में नहीं चलेगी ओपीडी, तो आज बुरी खबर है। ऐसी हड़तालों में सबसे बड़ा नुकसान मरीजों का होता है, इमरजेंसी सेवाएं सुविधा सब ठप रहेंगे आज के दिन। 7वें वेतनमान को लेकर के भत्ते की कर रहे हैं मांग और आज ठप रहेंगी सारी की सारी सुविधाएं। फरमान अंबास अस्पताल से केजीओबीओ से लाइव है हमारे साथ। फरमान, जरा सब कुछ बताइए कि आज क्यों ये हड़ताल कर रहे हैं और इस वजह से तो कितने मरीजों को दिक्कत होगी यहाँ पर। बिल्कुल, केजीएमयू की जो ओपीडी है उसमें तकरीबन 7 से 8 हजार मरीज प्रतिदिन आते हैं। इसके अलावा 200 मरीजों की सर्जरी भी होती है, तो ऐसे में सर्जरी और ऑपरेशन प्रभावित रहेंगे। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रखने की बात कही गई है हड़ताल कर रहे डॉक्टरों और कर्मचारियों की तरफ से। ये जो हड़ताल है इसमें इनकी मांग है कि जो पीजीआई को के जो कर्मचारी हैं उनको 2017 में जो 7वां वेतनमान और उसके जो भत्ते दिए गए थे उसी तर्ज पर केजीएमयू के कर्मचारियों और डॉक्टरों को भत्ते और 7वां वेतनमान मिलना चाहिए। इसी को लेकर ये आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और ओपीडी नहीं चलाएंगे।
चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। नोएडा से खबर यह है कि बीएसपी के पूर्व मंत्री सुधीर गोयल के घर चोरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला सेक्टर 20 के पास का है। सेक्टर 20 पॉश एरिया में गिना जाता है। चोरों ने कैश ज्वेलरी समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दानिश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, अब चोर कहीं से भी चोरी कर ले रहे हैं, उन्हें किसी का डर और कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस कितने भी दावे कर ले कि हाँ लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, लगातार जो है बदमाशों को पकड़ रहे हैं, लेकिन घटनाएं लगातार हो रही हैं। यहाँ पर सुधीर गोयल जो कि पूर्व बीएसपी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके घर पे बदमाशों ने धावा बोला चोरों ने, और दिन दहाड़े उनके घर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए कैश करने कीमती सामान रखा था वो बदमाश लेकर चले गए। इससे पहले भी सुधीर गोयल के वहां चोरी की वारदात हो चुकी है, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। ये तीसरी बार जो है पूर्व मंत्री घर में वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। देखना पुलिस इनको गिरफ्तार कर पाती है नहीं कर पाती, क्योंकि इस बार बाकायदा सीसीटीवी में चोरों की जो तस्वीर है वो कैद हो चुकी है, आइडेंटिफाई है चोर, लेकिन पुलिस कब तक इनको गिरफ्तार कर पाती है ये देखने का विषय होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्व मंत्री सुधीर गोयल हैं, और दानिश बता रहे हैं कि इनके यहाँ पहले भी कई बार चोरियां हुई हैं। दानिश, ये दिन में हुई है आप बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए इनके बाद दो बार पहले भी चोरी हो चुकी है इसी घर में, इसी मकान में। सेक्टर 19 के 2013 में इनके वहाँ चोरी हुई थी, 2009 में इनके वहाँ चोरी हुई थी, लेकिन आज तक दोनों चोरियों का कोई खुलासा नहीं हो पाया। कीमती जेवरात उस वक्त के, लेकिन चूंकि सीसीटीवी कैमरे उस वक्त इन्होंने नहीं लगाए थे तो बहुत ज्यादा मदद पुलिस को नहीं मिल पाई थी। पुलिस ने छानबीन जरूर करी, लेकिन आज तक वर्कआउट नहीं कर पाई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हाँ कम से कम उन चोरों की शक्लें तक जो है दानिश आ गई। 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत दो थाने, उसके बावजूद ये इस तरह की वारदात। बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल यही खड़ा होता है कि 1.5 किलोमीटर के अंदर एक थाना जो सेक्टर 20 थाना है वो पड़ता है, पुलिस चौकी वहां पर पड़ती है सेक्टर 20 थाने की ही, उसके बावजूद चोर यहां पर सेंध लगा जाते हैं, तो उससे बिल्कुल सीधी चुनौती चोर पुलिस को देते नजर आ रहे हैं कि हाँ आप कुछ भी करिए हम वारदात को अंजाम देंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो ये पुलिस को जो है सुरक्षा व्यवस्था पे अपने देखना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरीके की कार्यप्रणाली कर रहे हैं। बिल्कुल ये पुलिस को देखना पड़ेगा। दानिश भी बता रहे हैं कि चौकी और थाना दोनों है 1.5 किलोमीटर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद चोर जो है वो चोरी कर रहे हैं और आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। चलिए, एक तरफ तो भारत को विजय मिली मिशन कश्मीर में, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर विजय पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दो बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा समेत कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मुजफ्फरनगर से सचिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सचिन, दो बदमाश शायद फरार भी हुए हैं और एक गिरफ्तार किया गया है, इस कहां मुठभेड़ हुई? प्लानिंग से पुलिस ने मुठभेड़ किया या गश्त के दौरान इन लोगों को पकड़ा? राहुल सर, आपको बताना चाहूंगा, चरतावल थाना क्षेत्र के घिसूखेड़ा रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, और चेकिंग के दौरान जब तीन बाइक सवार बदमाश पुलिस को आते दिखे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस ने जैसे ही रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने मोर्चा संभाला तो मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके खिलाफ गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में लगभग लूट और डकैती के आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है, और वहीं मौके से दो साथी डकैत फरार हो गए, और इनके कब्जे से एक तमंचा, एक बाइक और लगभग 4 होका कारतूस बरामद हुए। जी राहुल, शुक्रिया आपका सचिन इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बुलंदशहर में पीड़िता से जब ससुराल वालों ने दहेज में वैगनार गाड़ी को मांगा और अतिरिक्त नकदी की मांग की तो पीड़ित पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ससुराल पक्ष को ये इतना नागवार गुजरा कि घर पहुंचकर ससुराल पक्ष के लोगों ने 3 तलाक कहकर पीड़िता को घर से ही निकाल दिया। ससुराल पक्ष के लोगों ने 3 तलाक कहकर घर से बाहर निकाल दिया रहा। हाँ बिल्कुल, पत्नी को पति ने 3 तलाक दिया है, अपनी पत्नी को पति ने 3 तलाक दिया है, और अब प्रज्ञा
जो नया कानून पास हुआ है, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई है, उसके हिसाब से केस लिखा जाएगा। तो इधर कन्नौज से डीएम रविंद्र कुमार ने शासन के निर्देश के प्रति विभाग से अनुरोध किया है कि क्षेत्रों में पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू कर दी जाए। सुविधा का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इसे एक कालाबाजारी रोकने का सशक्त माध्यम बताया। राशन लेने वालों के चेहरे भी नई सुविधा शुरू होने से खिले हुए नजर आए। इस सुविधा के जरिए नगरीय क्षेत्रों के जिन राशन लेने वाले का कार्ड आधार से लिंक है, वो अपने नगरीय क्षेत्र के किसी भी कोटेदार से राशन ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कदम है, केंद्र सरकार का बहुत बेहतरीन कदम है, इससे कालाबाजारी रुकेगी। मुझे याद है कि जितने भी ये कोटेदार होते हैं, गांव में कोटेदार इन्हें कहा जाता है, ये राशन नहीं देते हैं, अपने पास रखते हैं और जनरल स्टोर में उसे बेचते हैं और उनके मकान खड़े हो गए हैं बड़े बड़े। हाँ। और बेचारे जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें अनाज नहीं मिलता। लेकिन ये काबिले तारीफ सरकार का फैसला है। किस तरीके से कालाबाजारी चलती है, तो इस कालाबाजारी पर रोक लगा दिए। ये राशन पोर्टेबिलिटी है जिसकी वजह से यह फायदा मिला है, गरीबों को इसका बेहद फायदा होगा और होना भी चाहिए। अब खबर लखनऊ से, जहां पर खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से एक बुजुर्ग झुलस गया। ये खाना बना रहा था, लोगों ने जानकारी पुलिस को दी और ये मामला ताल कटोरा का है, लखनऊ के ताल कटोरा का। खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से बुजुर्ग झुलसा है। बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इन सब मामलों में, जब भी आप खाना बनाएं, सिलेंडर का उपयोग करें। और आजकल तो 2-3 महीने पर खुद एजेंसी वाले चेकिंग करने के लिए आते हैं बकायदा, और आपको उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी चेकिंग करानी चाहिए। तो राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा से पास होते ही कश्मीर भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह बन जाएगा। नंबर के बिहाफ पर यह क्लियर है कि लोकसभा में सरकार को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि जहां परेशानी होने वाली थी वहां से तो ये आराम से पास हो गया। एनडीए अपने दम पर बिल को आसानी से पास करा सकती है। लोकसभा से पारित होने के बाद औपचारिक तौर पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हो जाएगी और जम्मू कश्मीर असल मायने में भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त पर ये चर्चा चल रही थी, लोकसभा की बारी, ये दूसरी तस्वीर और पहली तस्वीर है जहां पर राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। विपक्ष में 61 वोट और पक्ष में 125 वोट पड़े। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हटा दिया गया। बीजेपी सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्यसभा में अनुच्छेद 370 का जश्न लोगों ने किस तरीके से मनाया, जम्मू कश्मीर से ये 370 धारा हट जाने के बाद लोग किस तरीके से जश्न मनाने के लिए घर से बाहर निकल आए और किस तरीके से खुशियां मनाई। हर व्यक्ति के लिए कल ही दिवाली थी, कल ही ईद थी, कल ही होली थी, ये सारी खुशियां का माहौल हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। संघर्षों के बाद जीत का जश्न। भारत के भाग्य विधाता बनने का जश्न। मिशन कश्मीर पर जय हो। ये ढोल नगाड़े उत्सव का माहौल यूं ही नहीं है, ये जश्न आजादी का है। ये जश्न कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने की खुशी में है। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। कदम कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का, कदम कश्मीर में भारतीय संविधान के लागू होने का, और इंसाफ उन कश्मीरियों को मिला जो सालों साल से बेघर थे। 370 कलम हटाओ, ये शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी की मांग थी और 370 कलम हट गया है और शिवसेना प्रमुख जी के मांग का विजय हुआ है। आज मोदी जी ने एक देश, एक विधान और एक निशान करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी हरदोई के सारे कार्यकर्ता बहुत खुश है। कश्मीर से जो धारा हटाई गई है,
जो धारा हटाई गई है उसके विषय में उसकी खुशी में हमने जश्न मनाया है और पूरा हिंदुस्तान इसका स्वागत करता है उनके फैसले का। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, साथ ही घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है, यानी लद्दाख अब एक अलग राज्य होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पेश करके आजाद हिंदुस्तान में इतिहास रच दिया। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। यानी अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश अंतरियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक घंटे तक लंबी बैठक चली, जहां राज्यसभा में बीएसपी ने इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं पीडीपी सांसद ने सदन में अपने कपड़े तक फाड़ लिए। हालांकि इस दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी राज्यसभा में हंगामा करते रहे। ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जम्मू कश्मीर का दो राज्यों में बंटवारा भी हो गया और इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर के भूगोल के साथ ही सियासत भी बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की भूगोल के साथ सियासत भी बदल गई। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 का पहला खंड छोड़ दिया जाए अगर और 370 की बात की जाए तो अब वो पूरी तरीके से इतिहास बन चुका है। जो कश्मीर अब तक अनुच्छेद 370 में जकड़ा हुआ था अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। जिसका था पूरे देश को इंतजार, शाह ने किया वो सपना साकार। देशद्रोहियों पर अमित शाह का वार, देश बोला जय जय मोदी सरकार। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। कश्मीर में हो रही हलचल के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि देश में क्या होने वाला है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही चर्चा थी कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था। आज गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने साफ कर दिया कि अब 370 खत्म, यानी देश को जिसका 70 सालों से इंतजार था वो आज हो गया। अब जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू होगा, जम्मू कश्मीर में अलग झंडा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। सरकार के इस फैसले का विरोध भी खूब हुआ और देश में जश्न भी खूब हुआ। महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को विनाशकारी बताया, वहीं कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया।
बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए एक झटके में तीन चार चीजों को खत्म कर दिया, जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। ये बहुत ही गलत संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, विपक्ष की आवाज को बुलडोज किया गया। ये कश्मीर को आज इन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग करने की व्यवस्था कर दी। विरोधी दलों में बीएसपी, एआईएडीएमके और केजरीवाल ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सरकार का साथ भी दिया। हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उस पे हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही। विपक्षी नेता अपनी सियासत के लिए सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, नफा नुकसान गिना रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 70 सालों में वो काम करके दिखा दिया जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आजादी के 72 साल बाद जिसका करोड़ों भारतीयों को इंतजार था वो इंतजार पूरा हो गया। मोदी सरकार ने वो सपना पूरा कर दिया। करोड़ों भारतीय जो इंतजार कर रहे थे ये धारा हटने का, आज उनका सपना साकार हो गया, वो बेहद खुश हो रहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताएंगे कि धारा 370 खत्म होने से क्या क्या बदलाव आया है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहला फैसला, जम्मू कश्मीर से धारा 370 गायब। जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बटा है। भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश होगा। देश के किसी हिस्से का नागरिक कश्मीर में बस सकेगा। जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति रह सकेगा, कोई भी जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक बन सकेगा। कश्मीर में हर कोई निवेश कर सकेगा। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया। महिलाओं को अचल संपत्ति में हक मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता खत्म होगी। ये सारे फैसले हैं। 370 खत्म होने के बाद क्या क्या फैसले होंगे, क्या क्या स्थिति है, वो हमने आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए। चौथा फैसला, पांचवा, छठा, ये आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। केंद्र में दो नए, बहुत क्लियर है, केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए हैं। अगर आप जल्दी जल्दी से ना पढ़ पाए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। कोई भी जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक बन सकेगा। कुल ये 12 फैसले हैं और उसके बाद ये 13वां और 14वां फैसला भी है, दोहरी नागरिकता का फैसला भी खत्म हो जाएगा। तो ये हमने ग्राफिक्स से बताई। तो दूसरी बात, केंद्र सरकार के कश्मीर से धारा 370, अब ये देखिए जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखिए नए भारत का जम्मू कश्मीर ये है, तब और अब बता रहे दर्शकों को, तब अलग झंडा और अब तिरंगा जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो होगा जम्मू कश्मीर में। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल जो कि पूरे भारत में कहीं नहीं है, अब ये 5 साल का हो जाएगा। आरटीआई आरक्षण नहीं है, अब आरटीआई आरक्षण लागू होगा। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भी विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश होगा और केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा वैसे ही रहता है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, यानी पहले राज्यपाल हुआ करते थे और अब उपराज्यपाल होंगे दिल्ली की तरफ। राज्यपाल शासन हुआ करता था, अब राष्ट्रपति शासन होगा। उपराज्यपाल यहां भी रहेंगे लेकिन शासन राष्ट्रपति का ही होगा। दोहरी नागरिकता थी और अब सब बराबर है, कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, अब सभी बराबर है। अलग संविधान लेकिन अब भारतीय संविधान ही चलेगा। और इसके साथ लोग नहीं बस सकते थे लेकिन अब लोग बस सकते हैं, यानी अगर आप ये ख्वाब पाले बैठे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं तो अब आप रह सकते हैं। जमीन नहीं खरीदी जा सकती थी लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में जमीन भी खरीद सकते हैं और वहां अपना घर बना सकते हैं। बाहरी के निवेश पर प्रतिबंध था लेकिन अब कोई भी वहां निवेश कर सकेगा, ये भी है। और रोजगार बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य नहीं होते थे,
अब अंदाजा लगाइए कि जहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य ना होता हो, यहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब मान्य होगा। तो अब केंद्र सरकार के कश्मीर से धारा 370 के फैसले को हटाने के फैसले के बाद कई दलों ने विरोध जताया। किस तरीके से विरोध जताया, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सत्ता के नशे में और वोट हासिल करने के लिए एक झटके में तीन चार चीजों को खत्म कर दिया, जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। ये बहुत ही गलत है। संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, विपक्ष की आवाज को बुलडोज किया गया। ये कश्मीर को आज इन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग करने की व्यवस्था कर दी। जम्मू कश्मीर स्टेट को तीन टुकड़े कर दिए, जैसे देश के टुकड़े कर दिए, आज टुकड़े कर दिए। कश्मीर के अंदर एक तरह की यानी अनस्टेबिलिटी पैदा होगी और मुल्क के हालात खराब होंगे। इसकी क्या जरूरत पड़ गई है कि आप 370 को हटाइए? इस वक्त कश्मीर के अंदर बहुत अनरेस्ट है, टेररिज्म है, रोज मुठभेड़ें हो रही हैं। हालात ऐसे नहीं है, इस वक्त उनके दिल जीतने की जरूरत थी, ना कि उनकी दिल आजारी करी जाए। तो कल किस तरीके से विरोधियों में गुस्सा था, वो अपना सर पीट रहे थे, साफ दिखाई दे रहा था। अब सरकार के फैसले से कश्मीरी पंडितों में जश्न का माहौल है। कल ढोल नगाड़ों की थाप के साथ सभी ने जश्न मनाया। पूरे देश में लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी, खुशियां मनाई। 370 के जश्न, 370 धारा के खत्म होने के बाद ये जो जश्न पूरे देश में मनाया गया है, इसकी तस्वीर आपके सामने देखिए। किस तरीके से ये जितनी तस्वीरें हैं, वो सारी तस्वीरें कल के जश्न की है। कल हर देशवासी के लिए हर त्योहार था, क्योंकि कल उनके 72 सालों का देखा हुआ सपना साकार हुआ है। मोदी सरकार ने उनका ये सपना साकार करके दिखा दिया। देखिए सारी तस्वीरें, किस तरीके से लोग ढोल नगाड़े की थाप पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, होली मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से तिरंगा लहरा रहे हैं, क्योंकि ये कल भारत के लिए, कल का सोमवार ऐतिहासिक दिन था। कल हर भारतवासी के लिए सबसे सम्मान का दिन। हालांकि विरोधियों ने जिस तरीके से विरोध जताकर संविधान का अपमान करके जो काम किया, वो उसके लिए तो वो देशद्रोह का मुकदमा और उसके बाद वो जेल भेजने के लायक है। वो जिस तरीके से अपमान किया गया संविधान का। खैर, अभी जो तस्वीरें हैं वो जश्न की तस्वीरें हैं। पूरे देश में हर किसी ने इस दिन का जश्न मनाया, हर किसी ने खुशियां मनाई। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इंडियन फिल्म मेकर, राइटर, स्क्रीन राइटर और म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज का आज जन्मदिन है। उनको बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। विशाल भारद्वाज फेमस कवि राम भारद्वाज के बेटे हैं। उन्होंने ओमकारा, एक थी डायन, रंगून जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं और इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो उन्होंने बनाई है। हैदर भी उन्होंने बनाई है, लेकिन वो इसमें निर्माता थे। डेढ़ इसकिया, मटरू की बिजली का मंडोला, इसमें निर्माता निर्देशक थे। सात खून माफ, इसमें भी निर्माता निर्देशक थे। इसके अलावा इश्किया, ये तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसने जीता था। कमीने फिल्म इन्होंने बनाई है। खाले दिल में संगीत दिया है, यू मी और हम में संगीत दिया है। चलिए धारा 370 हटने के बाद राजा भैया ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। जनसत्ता पार्टी के प्रमुख राजा भैया ने, हम अपनी ओर से, जनसत्ता दल की ओर से स्वागत करते हैं इस निर्णय का, और ये निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। और जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, सब लोग सराहना कर रहे हैं केंद्र सरकार की इस कदम का, और सभी में हर्ष व्याप्त है, प्रसन्नता है, खुशी है। राहुल, ये एक ऐसा फैसला है जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को। सोचिए 72 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि धारा 370 ये हट जानी चाहिए, 35 से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में देश में कल जिस तरीके से अमित शाह, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से फैसला लिया और अचानक से ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए, देश का मतलब वो एक मुस्कान जो धीरे से शुरू हुई वो बढ़ती गई। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे प्रज्ञा। कश्मीर से धारा 370 हटाने पर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने क्या कहा है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटना देश के हित में है और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के साथ वफादारी करते हुए कश्मीर से धारा 370 को हटाने का फैसला जो किया है, ये एक बहादुरी का फैसला है जो सिवाय मोदी सरकार के कोई नहीं कर सकता था।
हालांकि राहुल, अतिरिक्त सुरक्षा बल जिस वक्त पर भेज दिया गया था, सेना ज्यादा से ज्यादा भेज दी गई थी, उस वक्त अनुमान लग रहा था कि देश के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। निश्चित तौर पर, और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, जिसकी उम्मीद भारत समाचार भी कर रहा था। और अब यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी सुबह समाचार लगातार जारी है आप सबके लिए।